ऐसे तो जाएंगे पानी में, गिर जाएगा। अरे 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 पकड़ो, इतने से बच्चे ने बर्बाद कर दिया है, पकड़ो उसको यार। आइए साहब, जल्दी आइए। अरे हां सर, वो ऊपर जाएगा सर, ऊपर बच्चा है, बच्चा। हां बैठिए बैठिए बैठिए। अरे वहां जाना है, चल जल्दी। बढ़िया, अभी बैठिए, बैठो बैठो, जल्दी चलो, अभी जल्दी आइए, चल चल। अरे बाप रे, चलो। चलो बेटे, तुम्हारा राउंड पूरा हो गया, उतरो नीचे। अरे 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 नीचे नीचे नीचे, हम पहुंच गए। अरे अरे रुक ना यार, अरे कैसे उतरे? उतर उतर, तो दिमाग फिर गया यार, कहाँ गया क्या, कभी इधर कभी उधर, ये बच्चा है कि क्या? क्या करूंगा ढूंढ ढूंढ के। अरे अबे आटा, क्या क्या है रे? बाप हो तो ऐसा, इतनी ताकत, दौड़ के याद किसके यार? आपके, मेरे आदमी। देख रहा है बे, मैं खाऊं का डर। चलो डरता नहीं तू, तेरी तो नहीं बापू। क्यों? ये बेचारा विलन है, इसे बाद में कुत्ते की तरह मारेंगे। तू बाद में, बाद में तेरे को मारेंगे। बापू बापू, अरे आप में तो बहुत ताकत है। ताकत की क्या बात करता है, ताकत तो मेरे बाप में, इन्हें तेरे दद्दू में थी। एक मरता उन्होंने शर्त लगाई, इतना बड़ा नारियल यहाँ रखा, यूं किया और टक से तोड़ दिया। क्या नारियल? नहीं, हाथ। वाह वाह। अरे बाप रे, ये तो काले पहाड़ हैं। एक फटका मारेंगे तो मैं छह इंच का हो बन जाऊंगा, अब क्या करूं? ये पेटी में छुप जाता हूं। मैं नहीं गिरा। अरे यार, कैसा लगा? बेकार। खींच दे साले की बात, उखाड़े इसका दूसरा भी हाथ। कितनी गर्मी है, नहीं चलता हूँ। चोटे के ये तो कुछ चेंज क्यों हो गया यार? जमुरे फिर आ गया।
तो ठहर। खोपड़ी, ए खोपड़ी। अरे यार कुछ ऐसा चक्कर चला ना कि राजू के आने तक अपने को बेवड़ा मिलता रहे। अरे तेरी ये दारू की वजह से हमारा ये हाल हुआ है। वो कैसे? तेरे ही कहने से खोपड़ी ने जेल में राजू भटनागर को लूटने का प्लान बनाया था। वो ना होता तो राजू भटनागर से दोस्ती ना होती और ना ही हम बलि चढ़ते। अरे तुझे भी तो इम्पोर्टेड सिगरेट और तंदूरी चिकन चाहिए था ना। अबे यार ये बकवास करके क्या फायदा है, ये सोचो ना कि यहाँ से निकले कैसे। अरे यार सोचने का काम तेरा है, अपन तो तेरी सोच पे अमल करते हैं। ए बेवड़े, हाँ मैं लुढ़क के तेरे पास आता हूँ, तू अपने पैर से मेरी ये रस्सी खोल दो। अरे अच्छा है यार। एड़े मेरे पैर खोल। इसलिए तो कहता हूँ दारू कम पी, देख नहीं रहा मेरे पांव भी बंधे हुए। अब तो अगर भगवान ही मदद करे तो फिर बचने का कोई चांस है, नहीं तो गए काम से। ये लो आ गई फसाद की जड़। देखा मजाक उड़ा रहा है हमारा। आओ कन्हैया, लगता है तुम्हारे ही कारण डूबी हमारी नैया। तुमको उठाया था ना, शायद उसी की सजा मिल रही है हमको। क्या अबे चला ना मैं, आज तो बुझा भी नहीं पाऊंगा मैं, हालत देख रहा मेरी। ए बेवड़े, बेवड़े ये पिछवाड़े आग तो नहीं लगी? लगी है। कब? अरे खोपड़ी हिल ना मत, तेरी रस्सी जल रही है। जल्दी जल्दी खोल। अरे आराम से यार खोपड़ी, अरे हाथ तोड़ देगा। खुल गया। अरे ये मेरे राजा, तू तो सचमुच का कन्हैया निकला यार। खोपड़ी एक काम करते हैं, इसको इसके घर पहले पहुंचा देते हैं। देखिए पहली मरतबा तूने अकलमंदी की बात कही है। मैं यही बोलने जा रहा था। तू सब बोलने जा रहा था, चल पकड़ इसको, चल निकलो जल्दी, भागो। अभी तक वो रस्सी नहीं बनी है वकील साहब जो हमें बांध सके। और तुमने तो सुना होगा बांधने वाले से बड़ा खोलने वाला होता है। खोलने वाला नहीं, जलाने वाला। और जब वो गुस्से में आएगा ना तो तुम बेईमानों की लंका को जलाकर खाक कर देगा। कहना क्या चाहते हो तुम? अजय भाई हम लोगों का रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने बेईमानी का काम भी हमेशा ईमानदारी से किया है। हमने तो बच्चे को किडनैप किया लेकिन तुम्हारे इस वकील ने पैसे देने से इनकार कर दिया। झूठ बोलता है ये बच्चा, ये लोग नहीं मेरे आदमी लेके आए थे। अच्छा तो जज साहब के घर भी तुम्हारा ही आदमी गए थे ना? उसके घर पे आग भी तुम्हें नहीं लगाई? और वो जो छोटा सा है उसके नखरे भी आप ही ने बर्दाश्त किए हैं शायद। उसको बताओ उसने हमारे इसी बैंड बजाई है कि बताओ। नहीं नहीं जानते अभी टाइम नहीं है। बकवास बंद करो और ये बताओ कि बच्चा कहाँ है। देखो राजू भाई अपन तो पब्लिक टेलीफोन है, सिक्का डालो और बात कर लो। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे ये मेरा वादा है। वादा और आधा अपन नहीं पहचानते, अपन का उसूल है ये साथ दे और उसी हाथ से ले। क्या बोलते हो? ये रहे तुम्हारे पैसे, हमारा बच्चा ले गया। कितनी बुरी तरह से फटा है, सब अथड़ियां बाहर आ गई यार। बापू अब क्या करें? पुलिस तो आई नहीं, काम करते ना अपन खुद ही चलते हैं पुलिस के पास। बापू तुमको ठीक से याद है कि तुम्हारे बाप यानी कि मेरे दद्दू इसी जेल में बंद थे? पिछली बार तो थे लेकिन अभी होंगे या भाग गए होंगे या भागने के चक्कर होंगे वो मालूम नहीं कुछ। बापू मेरे दद्दू का नाम क्या था मैं भूल गया। तेरे को तेरे दादा का नाम याद नहीं है? दयाशंकर। दयाशंकर? हम मानते हैं दयाशंकर कि जमीन आपकी है सरकार की नहीं। तो सरकार ने मेरी बात मान ली है तो उस जमीन की कीमत अदा कर दीजिए। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दद्दू
तुमने आज तक फ्रॉड करके दुनिया को क्या क्या बेचा है? ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला। अभी थोड़ी देर पहले जेलर को मैं ये जेल बेच के जा रहा हूँ। हाँ? बापू, ये तो तुम्हारा भी बाप निकले। निकलेगा क्या मतलब, वो है मेरे बाप। ओ, हाँ। बाप निकले बोलता है। ये कोई जेल है? छे 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 छे, अनाथ आश्रम से भी बदतर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया तुम। अगर मेरी अनाथ आश्रम की कहानी तुम सुनोगे ना तो तुम्हारे आंखों से खून के आंसू टपकेंगे। अबे चुप, जब तक अपनी कहानी सुनाता रहता है। अरे भाई साहब, आपने पिछली बार मेरी कहानी कहाँ सुनी थी? आज सुन लो ना, कोई नहीं सुनता। एक शॉर्टकट बताऊं, तुम मर के ना यमराज को कहानी सुना देना। यम दद्दू, बंद कर दे भाई। आप तो जेल बैठ के जा रहे थे। अरे सब इन लोगों का प्लान था, मुझे सबूत के साथ पकड़ना चाहते थे। मुझे पहले खुद बाहर जाने दिया और फिर तमाम नकली कागजात के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दुनिया के अंदर इंसान कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, जुर्म करके कभी बच नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसीलिए अंग्रेजी में कहावत मशहूर है ना, क्राइम नेवर पेज। जुर्म करके आदमी कभी भी सुखी रह नहीं सकता, कानून से बच नहीं सकता। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी। वाह, कैसा है तू? बच्चा यहाँ लाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चल अपने पालतू कुत्तों से बोल हथियार फेंक दे। बोल। बोलता हूं ना, चलो भाई कुत्तों हथियार फेंक दो। ये रही आपकी अमानत। इसी तो हम आप ही के पास ला रहे थे, लेकिन आपको देखा इसलिए रुक गए। क्योंकि ये मुझे पुलिस से बचाकर अपनी बोट तक पहुंचाएगा और उसके बाद मैं इसके छोटे 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 टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। मार साले को, मार साले को, मारू, मार मार। अबे क्या चपाती पकड़ा, हट भाई, हट। ये रख। हमका बेवकूफ बना के कहाँ जाती है छमिया? पॉकेट देखूं तो, अरे साला कुछ भी नहीं अंदर। ये क्या कर रहा है? पर्स चुरा रहा है। पैसा तो मिलने वाला नहीं, दाना पानी को कुछ तो चाहिए। हाँ। पर इतना बड़ा पर्स, खाली 5 रुपए इसमें यार। अरे यार मारते भी हो और पर्स भी चुराते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए, पर्स में सिर्फ 5 रुपए रखता है साला। मार साले को। ये बच्चा हमको दे दे रानी, वरना हम तुका गोली मार दे। नहीं मैं बच्चा नहीं दूंगी। हमको गोली नहीं मारी है, हम खुद हनुमान का भक्त हूं। जब बजरंग बली चल जाएगी, चल जाएगी, चल जाएगी, चल जाएगी, चल जाएगी भाई। अरे अरे इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, अरे क्या करता है? अरे हम हीरो पार्टी के, विलन पार्टी उधर है, उधर उधर उधर।
वो तो विकास साहब ने तुझे जिंदा छोड़ दिया। हम होते ना हम तो राजू के भट्ट को भुट्टे की तरह भूनते और नागर को नागरा बनाकर पैर में पहना देते। सजा तो हम लोगों की गजा है। जी हाँ, जैसे पेट को खाने की जरूरत पड़ती है वैसे हमें 2-3 महीने के बाद सजा की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बार सजा काटने के बाद जब हम बाहर निकलेंगे ना, हम मोंटी बाबा की सौगंध खाकर कहते हैं कोई बुरा काम नहीं करेंगे। अरे वाह येड़े, तूने तो पेड़ा खाने वाली बात की। ये सब मोंटी बाबा के साथ और बजरंगबली के भक्त के चमत्कार का कमाल है। नमस्कार।